अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MTS न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त मज़र खान। आइए फिर एक बार तफसीलात पर नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ताजुद्दीन फारूकी मुकामी हूँ इस महल्ले का। यहाँ पर महल्ले में हमारे बहुत सारे तकलीफ़ें हो रही हैं। ना गली में कोई गाड़ी घुस सक रही है, ना कुछ ना क्या, हमेशा पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये नीचे मोरी के ऊपर 3 से 4 फुट का इंक्रोचमेंट कर बनवाया गया है, जो GHMC ये कंप्लेंट में हम 1 साल पहले दिए, मगर इसके ऊपर कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कुछ गलत है, इसके ऊपर GHMC क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, एक्शन क्यों नहीं ले रही? और अल्लाह क्या है, ये नीचे नागेश्वर राव जो है उन्हें कब्रस्तान के बाजू बैतुल खला बनवा रहा है। राकेश साहब जो है सेक्शन ऑफिसर भी आके इंक्वायरी करके हमारे को बातें करके जा रहे हैं कि उन्होंने उनकी घर के ऊपर बना रहा, तुम्हारे को क्या ऑब्जेक्शन है बोल रहे हैं। और उनको जब भी फोन करे तो कोई भी GHMC वाले रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अदबन गुजारिश है हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और MLA मुमताज खान साहब से कि अदबन इससे कुछ भी इस पर एक्शन लीजिए। हमारे कॉरपोरेटर साहब जरा सा बिजी है, जरी सी नजर नायत करम हमारी गली पर डालिए, जल्द से जल्द इसको तकमील करिए। बस हमारी गली में एक ना ऑटो आ सक रहा, ना एम्बुलेंस आ सक रहा। और यहाँ पर ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान में परसों मौता हो गई, तो एक डोला नहीं आ सका है। इतनी पब्लिक को तकलीफ वहाँ पर आप देखिए, पूरा गाड़ियाँ खड़ा कर दे रहे हैं, कार खड़ा कर दे रहे हैं टर्निंग पे। नागेश्वर राव और ये तवज्जो दीजिए, ये नीचे कच्ची मोरी है।